हेलो गाइज, वेलकम टू आर न्यू ब्लॉग। और आज है संडे और अभी मैं जा रही हूँ कहीं किसी इंपॉर्टेंट काम से, तो वो 2-3 घंटे का काम है, वो रखे वापस आऊँगी। और अभी कर रही हूँ ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में मेथी का पराठा। और एक और चीज़ है, मतलब हम लोग, मतलब मुझे छुट्टी मिलने वाली है शायद थोड़े टाइम में, तो मैं कहीं ट्रिप प्लान कर रही हूँ या कहीं जाने की सोच रही हूँ। तो आप लोग मुझे कॉमेंट्स में बताना, सजेस्ट करना कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, मतलब अराउंड 4-5 डेज के लिए। तो अच्छे अच्छे सजेशन दो, तो जैसे भी होता है फिर मैं कहीं प्लान करूंगी, और जहाँ भी प्लान करूंगी मैं बताऊंगी। ये क्या है, क्या है ये? दर्द हो रहा है ना, हाथ में दर्द हो रहा है। अरे है क्या? पर अभी डांट तो पापा खाएंगे। पापा ने चादर पे गिरा दी, पूरी चादर सफेद हो गई है, पीली हो गई। बाबा चादर पीली कर दी, पापा ने चादर पे गिरा दिया। कहीं ना गिरा। अरे ये क्यों लगा रहे हो यार? वो नीचे हीटिंग पैड है, वो लगाती, दिमाग खराब हो गया। उसने डॉक्टर ने बोला की वो सिकाई, तो ये सिकाई थोड़ी होती। हल्दी कब लगती है? जब चोट लगती है, अंदर का मांस फटता है। पता नहीं, पापा ही लगा रहे हैं। तू कौन से काम में बोल नहीं सकती? मेरे को क्या पता, थोड़ी देर लगा के ना ठीक हो जाएगा, रात को भी लगाएंगे। सब सब जगह उसने पीला पीला कर दे रहे हैं। इसमें लगा कह रहे हो तुम? कागज? वाह वाह, पत्ते, आयुर्वेदिक पत्ते लगाते हैं ना, कागज लगाते हैं। हमने बचपन में ऐसे ही लगा देते हैं, रहने दो, लगा के ठीक हो जाता था हमारा। हमारा बचपन लाटो भरा था, तो उसका क्यों लाटो भरा बचपन बना रहे हो? पापा ने गरम तेल और हल्दी मतलब लगाया, कालेब लगाया, फिर अपन पापा ने बांध दिया। अभी मैं तो कुछ मतलब मैं पढ़ाई करने की सोच रही थी, अब मेरा हाथ तो भी छलेगा नहीं, तो अभी बैठ जाती हूँ। ऐसा है, हाथ से पढ़ाई भी होती जाने लगी है। ठीक है, एक हाथ तरह ठीक है, उंगलियां भी ठीक है पढ़ने नहीं, के मेरे लेफ्ट हाथ से थोड़ी नहीं, 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 लगता है थोड़ी देर सोना पड़ेगा। है ना, कोई बहाना नहीं चाहिए। गोली बाद में, नहीं नहीं अभी नाश्ता कर दिया ना, खा गोली खा। अरे कल तो मैं बहुत लेट हो गई थी आते आते, फिर आगे कुछ ब्लॉग बन नहीं पाया, और सिस्टी के भी हाथ में दर्द हो रहा था, तो दवाई वगैरह लगा के सो गई थी। तो आज तो मैं ऑफिस से आ गई हूँ, अभी थोड़ा थोड़े टाइम पहले आ गई थी, पर फिर लक्की भी आया यहाँ पे, और चाचा भी, जैसे ही मैं आई तो चाचा भी आ गए। तो हमने सोचा काफी दिनों से गाड़ी भी नहीं चलाई है, तो गाड़ी चलाने चलते हैं, और क्या कहते हैं, फिर हम कुछ शायद खा पी के भी आ जाएं, पता नहीं है। पर ना क्या कहते हैं, गाड़ी इतनी गंदी हो गई, हर दुकान लेके जाएंगे पर बाहर नहीं दे पाए। क्या है मेरी चीटिंग करके उसने सेम टू सेम पजामा पहना, जो मैंने ऊपर हरा पहना था, उसने भी हरा पहन लिया ऊपर, सेम टू सेम। इसने मेरे को देखा तब पहन लिया, मेरे को नहीं पसंद। सेम टू सेम क्यों पहना तुम दोनों ने आज? इसने मुझे देख के पहना है। पहले सुबह घर में कौन था? तू थी ना? मैं थी। हाँ, वो स्कूल में 2 बजे आती है, उसने 2 बजे पहना है, तूने अभी पहना है, चीटर खोर। सेम टू सेम ये फौजियों वाली पैंट और ग्रीन ड्रेस। चले चलो तुम चलो भाई साहब, एक दे दो ये मार्केट से। लग रहे नहीं ऐसे बढ़िया से टेस्टी? तो अभी चलते हैं, बब्बू तो ऐसे गाड़ी चलाने जा रही है, हम तो खाने के लिए जा रहे हैं, सूप पी के आएंगे गरम गरम, क्योंकि ठंड हो रही है। मैं पहली बता रही हूँ, अगर यहाँ पे डॉगी हुए मैं तो पहली मना कर दिया, मैं नहीं जा रही। ये रही हमारी गाड़ी, कितनी सुंदर हो रखी है, मजेदार। भाई तू ऐसे खोल, तू राजा खोल, वहाँ पे डॉग घूमना, मैं नहीं। तो गंदी है। ओए हाय, मैं तो अंदर बैठ गई भाई, इनको जो मर्जी बाहर करने दो, बाहर घूम रहे हो डॉगे, वो ऐसे काटते हो, पापा को भी काट है एक दो बारी। तो आगे ले, क्या कर दिया आगे? छोड़ दे इसको, बोलना हट। मैं कैसे बोलूं, हट जा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, हम इधर गाड़ी चलाने के लिए आए थे, गाड़ी धोने के लिए आए थे, क्योंकि अब धुलाई शुरू हो चुकी है गाड़ी की, कभी भी हो जाती है हमारी। अरे यार कुछ समझ ही नहीं आता, साफ करने वाला क्यों कर रहे हैं। अरे यार मैं भी पीछे बैठी थी, आगे आ गई ऐसी, मतलब नीचे सीधा छलांग मार के। छलांग तो क्या, इतनी सीधा जगह है। कॉन्सर्ट चल रहा है, अभी अबू ने ऊपर से भी गाड़ी साफ कर दी है, क्योंकि भाई हमारी गाड़ी बिना साफ पार्किंग से नहीं बाहर जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम जब भी बाहर जाते हैं हमेशा गाड़ी साफ होती है, चाहे हल्की बहुत धूल होगी उसको भी साफ करते हैं। साफ हो गई ना? अब अबू जी आपको दोबारा से पार्किंग से बाहर निकाल कर दिखाएगी, वैसे तो दिखाई रखी है, कितनी बारी दिखाएगी। टसन टसन मारती है टसन, इसमें वो बाएं हाथ का खेला हो। अब हल्की सी भी छू गई, मुंह क्या बना रही है, बिना मुंह बनाए नहीं चला सकती। ये कैसा है?
ऐसे कौन चलाता है, तो क्या पूरे रात तो मुंह ही बना के रखेगी। बहुत बैठ लिया आगे, मैं आ रही हूँ पीछे, हटो। तो बबू ने पार्किंग से तो बाहर निकाल लिया, वो हम किधर जा रहे हैं? अरे कहाँ जा कर रहे हैं? अभी मैं गाड़ी से उतर गई हूँ, बबू भी उतर रही है, फिर हम जाएंगे कुछ मतलब खाने के लिए और पीने के लिए, नहीं है गरम गरम क्योंकि बहुत बहुत तो नहीं ठंड हो रही है बस। खा रहे हैं गाड़ी में, तो मैं तो आगे आ रही कि मुझे फुल स्पेस मिल जाए, क्योंकि पीछे तो भाई साहब ऐसे बैठेंगे बिल्कुल। अबे यार जब भी मैं यहाँ पे उतरता हूँ, यहाँ पे जैसे मैं पैदल पैदल निकलता ना, तभी पापा रोज बताओ मम्मी को क्या बोलते हैं, पेट भरा भरा है, एक रोटी खाऊंगा। अब पापा क्या बोले, मैं रोज टिक्की खाता हूँ। रोज नहीं, जैसे कि मैं रिक्शा जैसे 10 बार हम गाड़ी में ऐसे पहली बार खा रहे हैं ना, फर्स्ट टाइम। यही मेरा हाथ बिल्कुल दर्द हो रहा है, मैं इसी हाथ को घुमाए जा रही हूँ, इतना चटक रहा है, इतना दर्द हो रहा है, कोई एक्सरे नहीं करवा रहा मेरा। अबे जितना हाथ घुमाएगी ना उतना ठीक ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है ऑटोमेटिक। तभी बाबा की बारी आ गई गाड़ी चलाने की। तभी हमने कुछ 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 क्या होता है थोड़ा बहुत, तभी हमने चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ये तो यहाँ चला गया मेरे अंकल, गलत ट्रांजेक्शन बाल में हिसाब लगाएगा, बाल तो इतना बिकार। अभी हम घर जा रहे हैं, हमने घर के लिए भी कुछ कुछ पैक करा लिया है, और अभी पापा ड्राइव कर रहे हैं और ये सब पीछे बैठे हैं, अभी घर चलते हैं। तो अभी हम पार्किंग में पहुंच गए हैं, बस पापा अंदर जाके गाड़ी पार्क करेंगे और हम घर जाएंगे। तो अभी गाड़ी भी पार्क हो गई है और अब हम चलते हैं सीधा घर। अब मैं इस वाले पत्थर को घर तक लेके जाऊंगी, अब ये मेरा टास्क है। ओ शिट, वो तो किसी की दुकान के दरवाजे की वजह से जाके गिर गया। बाय बाय। तो अभी हमने खाना वगैरह खा लिया, कल मैं भी स्कूल जाऊंगी, बबू भी स्कूल जाएगी, ऑफिस जाएगी, तो अभी टाइम तो अभी टाइम तो हो ही गया सोने का। तो अभी हम इस व्लॉग को एंड करते हैं, तो व्लॉग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय। तो अभी पापा ने तो यहाँ पे मतलब हल्दी और अभी पापा